आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया गया है, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 100% की वृद्धि होती है, समान ब्याज पर 2 वर्षों के बाद 8000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी साधारण ब्याज की दर से 100% की वृद्धि होती है, तो माना हम राशि मान लेते हैं कि अगर कोई राशि 100 रुपए दी है तो उसका ब्याज कितना होगा, ये भी 100 रुपए हो जाएगा। जब राशि भी 100 है, ब्याज भी 100 है, तो हमें पता है कि SI = साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। SI हमारे पास 100 दिया है, साधारण ब्याज हमारे पास 100 दिया है, मूलधन भी हमारे पास 100 दिया है, दर हमारे पास नहीं दी है तो दर हमें निकालना है, समय हमारे पास 8 वर्ष दिया है, नीचे डिवाइडेड बाई 100 आएगा, इस 100 से 100 कट जाएगा, 8 का भाग देंगे यहाँ पर तो 12.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर R हो गया 12.5%। हमें निकालना है 8000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास 8000 रुपए की राशि है। अब इसका पहले वर्ष का जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 12.5% की दर से, 12.5% निकालेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपए आएगा, और जब दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो दूसरे साल जब ब्याज लगेगा 8000 रुपए पर तो 1000 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो 1000 रुपए ब्याज मिला था उस पर भी हमें 12.5% ब्याज भी लगना है। तो यहाँ से ब्याज हो जाएगा 125, और इस सब जब टोटल को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 2125 रुपए। तो कुल ब्याज जो होगा 2125 रुपए, ये हमारा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2125 रुपए आ गया है, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।